नमस्कार विद दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध कहलाएगा दुष्कर्म। जजों की पीठ ने वर्तमान बलात्कार कानून को बताया मनमाना। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर होंगे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान की छुट्टी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोटबंदी में पारदर्शिता बरती जाती तो यह धोखाधड़ी की बड़ी वजह बनती। नोटबंदी और GST जैसे सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत रास्ते पर ला दिया। आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय नाराज। कहा, हिंदुओं के दाह संस्कार के खिलाफ भी आ सकती है अर्जी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने डोकलाम गतिरोध और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद पर लगाम लगाने जैसी चुनौतियों से पेशेवर तरीके से निपटने के लिए सेना की प्रशंसा की। मुंबई के एल्फिंस्टन पुल हादसे के लिए वारिफ दोषी, 32 लोगों से बातचीत के बाद तैयार हुई रिपोर्ट। दिल्ली NCR के व्यवसायी पटाखा बिक्री पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फैसला बदलने की मांग। विश्व बैंक का अनुमान, नोटबंदी और GST की वजह से कम रह सकती है भारत की वृद्धि दर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए, 2 जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के ही शोपिया में 2 पुलिसकर्मियों पर लगा आतंकवादियों को गोला बारूद मुहैया कराने का आरोप। ट्रंप की बड़ी जीत, अमेरिका में जारी रहेगा मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर यात्रा प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पुराने फैसले पर रोक। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता हार्वे वेंस्टीन पर लगा 13 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप। उत्तरी मेक्सिको के न्यू ओरलियन की एक जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष, 13 की मौत। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।